नेपाल की तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश होने से सुपौल जिले के कोसी तटबंध इलाके के आसपास के लोग काफ़ी भयभीत हैं। जिले के दिघिया के समीप पश्चिमी कोसी तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिससे लोगों को बांध टूटने की आशंका है। हालांकि पिछले 48 घंटे से जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं, बावजूद इसके ग्रामीणों को इस बात का डर है कि बांध कभी भी टूट सकती है, जिसे लेकर वहां के लोगों ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता का घेराव किया। रोड जाम हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि यह जो जल संसाधन का विभाग का जो काम हो रहा है बहुत दिखावटी है, सिर्फ कागज का दिखावटी है। आप यहाँ बगल में भी देख लीजिए फोटो लेकर के भी, जो अभी यहाँ बस कुछ ही मिनट में अगर यहाँ कट जाए तो कितना लोग क्षति होगा। हजारों लाखों की संख्या में आदमी इधर तटबंधन के अंदर है, सबका क्षति, माल जाल, माल मवेशी, आदमी सब क्षति पहुंच जाएगा। इसलिए हम लोग का मांग है जो यहाँ इस स्थल पे उच्च स्तरीय पदाधिकारी आए, इसको निरीक्षण करे और अति शीघ्र यह काम को करने का प्रयास करे। यहाँ बोल्डर के अलावा हम लोग कोई काम नहीं होने देंगे। बोरा बंदी और मिट्टी का जो काम होगा उसको तुरंत रोकेंगे, सिर्फ बोल्डर देकर यहाँ काम करे, हम लोग का यही मांग है। मेरा नाम संजय कुमार यादव, राजद नेता, जिला परिषद प्रत्याशी। यहाँ जाम इसलिए है कि कटा अंतिम कगार पे है, लेकिन यहाँ के प्रशासन झूठे बोलती है, जाकर बोलता है कि काम नहीं हो रहा है। कुछ बिचौलियों द्वारा जहाँ पर काम होना चाहिए वहाँ पर काम नहीं करके दूसरे जगह काम करता है, जहाँ पर कटाव नहीं होता है। और उसके बाद जहाँ जिस जगह पर कटाव होता है उस जगह आकर बोलता है यहाँ पर कटाव ही नहीं हो रहा है। सब सारे बिचौलिया यहाँ पर लूटने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। घर? घर दिखिया है। घटना कौन सी जगह है जो जहाँ पे घटना? जबकि मुख्य अभियंता का कहना है कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है और जो भी कमी है उसे पूरा करने में उनकी टीम लगी है। हंगामा देखे, कुछ गांव वाले का अपना अपना ये है कि कटाव हो रहा है, लेकिन देखने से कटाव में नहीं हो रहा है। फिर भी कैसे आप बोलते कि नहीं हो रहा है? कैसे आप बोलते कि नहीं हो रहा है? आप तो ना छोड़िए ना, आप भी आप कटाव हो रहा है, आप लोग भी बोलते नहीं जा रहे, तो कैसे कौन सी बात हो गया? आप लोग बोलते नहीं बात है, ऐसे नहीं हो रहा है। हम बोल देंगे हम क्या लग रहे तैयार है। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद अली हुसैन है। मोहम्मद अली जी हाँ। सर यहाँ के परिजन का आरोप है, यहाँ के परिजन का आरोप है कि आज से पूर्व जो काम चला है वो जहाँ नहीं होना था वहाँ काम हुआ और यहाँ कटाव लगता है हर एक साल और यहाँ कोई काम नहीं होता, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे हम लोग जो बाहर के टीम आती है सब सिचुएशन के अनुसार रिकमेंडेशन करता है, उसके बाद टेंडर का काम होता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में नदी हमेशा इधर उधर चेंज होती रहती है। इधर आया तो अब उसको हम लोग काम करवा के उसको सुरक्षित कर देंगे, वो चाहे सुरक्षित होगा। सर देखा जाए आज दिन रात काम होगा यहाँ। आज से पूर्व जब सुखाड़ था यहाँ पर तो नदी जो है करीब 20 मीटर दूरी पर जो है यहाँ बढ़ता था, लेकिन उस समय भी यहाँ काम नहीं हुआ, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? 20 फीट दूरी पे नहीं बढ़ता था, जब भी नदी आती है हम लोग जज करते हैं कि नदी के किनारे से 30-50 मीटर की दूरी पे है, तब स्थिति को देखते हुए टीम जो ऐसे रिकमेंडेशन करती है तब काम होता है। क्या नाम है सर आपका? चीफ इंजीनियर प्रकाश दास। नाम सर? प्रकाश दास। किस पोस्ट पर आप? यदि यह तटबंध टूटता है तो दुबियाही, घूरन, पैनीटोल, दिघिया, चकला सहित कई गांव में तबाही मच जाएगी। जरूरत है समय रहते तटबंध को सुरक्षित कर लिया जाए। सुपौल से समर कुमार डे की रिपोर्ट।